दोस्तों, ये वीडियो मेरे किसी ब्लॉग का नहीं है, न ही मैं कहीं गया हूँ कि आपको करके मैं दिखाने वाला हूँ। बड़ा ही आश्चर्यजनक घटना घटी है छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला में। वही कांकेर जिला जो अपने आप में मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है। वादियों से परिपूर्ण, चारों तरफ ग्रीन लस, सुनहरे मैदान है, वहाँ पर जंगल है चारों तरफ। आप देखेंगे तो एक तरह से फ्लोरा फन्ना यानी जो वेजिटेशंस होते हैं उनके लिए काफ़ी वो यूजफुल जगह है, एक तरह का हॉट स्पॉट्स हैं। ऐसे जगह हमर एक आश्चर्यजनक घटना ये घटी है कि कुछ सनकी ऑफिसर वहाँ का जो गया था किसी काम से वहाँ पर इस डैम पर जो सामने आपको दिख रहा है, और वहाँ उसका मोबाइल 1.5 लाख का एक कीमती मोबाइल गिर गया। सनकी अफसर 1.5 लाख मोबाइल के लिए उसने क्या किया, इस तालाब में, इस डैम में जितने भी पानी थे उसको पंप सेट मंगवाया और उसको बोरिंग के थ्रू क्या कर दिया, उस पूरे हजारों लीटर, हजारों नहीं तो कह सकते मिलियंस लीटर्स पानी को उसने उड़ेल दिया, बाहर निकलवा दिया। और निकलवा के वो 1.5 लाख का अपना कीमती मोबाइल जब्त किया। सवाल ये है कि ऐसे सनकी ऑफिसर्स जब होते हैं तो समाज का क्या भला होगा, हमारे प्रकृति का क्या भला होगा। ऐसे सनकी ऑफिसरों से नेचर्स में फले फूलने वाले हमारे जीव जंतु हैं, उनका क्या भला होगा। अपने 1.5 लाख के कीमती मोबाइल के लिए जब ये हजारों फ्लोरा फन्ना यानी जो डैम में रहने वाले जो प्लैंकटॉन्स हैं, या आप एक तरह से कहें तो जो प्लैंकटॉन्स हैं, फाइटो प्लैंकटॉन्स हैं, या तो इस दूसरी भाषा में कहा जाए तो वहाँ पर जलीय जीव है, वह कैसे सर्वाइव करेंगे। इसकी थोड़ा भी ये सन की ऑफिसर को थोड़ा भी राज नहीं आया, थोड़ा भी उसके दिमाग में ये नहीं सूझा कि हजार जलीय जीव इस डैम में पल रहे होंगे। उनको एक पल के लिए जब हम पानी को निकाल के फेंक रहे हैं तो उनका लाइफ के साथ क्या होगा। इस लाइफ के खिड़वा हजारों जलीय जीव को मारने का जिम्मा वो अपने सर पर लिया। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था तो लोकल मीडिया, छत्तीसगढ़ की एक लोकल मीडिया हाउस से ये पब्लिश हुआ था समाचार, जल्दी संज्ञान में लेकर उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो सस्पेंड करना एक बहुत बड़ी सज़ा नहीं है, वो जाएगा कोर्ट, 1-2 महीने में बरी हो जाएगा, फिर वो अपने काम पर लौट आएगा। बात ये है कि ऐसे सन के ऑफिसर जब रहेंगे तो हमारे जो वन्य जीव है या जलीय जीव, वातावरण में पलने वाले जो छोटे जीव हैं उनकी देखभाल कैसे करें। क्या ऐसे ऑफिसर करेंगे? नहीं, ऐसे ऑफिसर कतई नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ खूबसूरत है तो उसको खूबसूरत रहने दीजिए। छत्तीसगढ़ खूबसूरत है अपने जल, जंगल और ज़मीन के लिए। अपने जल, जंगल, ज़मीन की वजह से छत्तीसगढ़ आज छत्तीसगढ़ है, तो उनके रिसोर्सेज को तबाह ना करें तो यही बेटर है। धन्यवाद।